सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा डिसलाइक होने के लिए अब तक सुर्खियों में रही सड़क दो ने हॉटस्टार पर दस्तक दे दी है। इस फिल्म से एक अरसे बाद महेश भट्ट डायरेक्शन में वापसी कर रहे हैं। फिल्म में आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर, संजय दत्त नजर आ रहे हैं। पूजा भट्ट छोटे रोल में हैं। फिल्म 28 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म रिलीज होने के बाद सामने आ रहे रिव्यू बता रहे हैं कि फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई है। लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट कर इस फिल्म को बेकार बताया। साथ ही लोगों ने फिल्म को लेकर कई तरह के मीम्स भी शेयर करना शुरू कर दिया है। फिल्म की शुरुआत आलिया भट्ट के किरदार से होती है, जो किसी धर्मगुरु से बदला लेना चाहती है। आलिया भट्ट आर्या के किरदार में है। 90 के दशक में आई सड़क फिल्म के दृश्यों को याद करते हुए संजय दत्त का किरदार सड़क दो में एंट्री करता है और ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये फिल्म सड़क की सीक्वल फिल्म है। पूजा भट्ट का किरदार मर चुका है, लेकिन संजय दत्त का किरदार उसे अपने आसपास महसूस करता है। फिल्म के आधे घंटे बीत जाने के बाद भी कहानी रफ्तार नहीं पकड़ती है। थोड़ा आगे चलकर कहानी में आदित्य रॉय कपूर के किरदार की एंट्री होती है। गाना गाते हुए वही पुराना घिसा पिटा अंदाज। कहानी फर्जी बाबाओं के खिलाफ मुहिम वाली ही है। इसी हफ्ते इस पर प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम भी रिलीज हुई है। ऐसे में दर्शक एक ही सब्जेक्ट पर फिल्म को देखकर एंजॉय करेंगे ये मुश्किल लग रहा है। कहानी में एक घंटे बाद एक ट्विस्ट आता है। आदित्य रॉय कपूर का किरदार नेगेटिव नजर आने लगा। वो ज्ञान प्रकाश बाबा से मिला हुआ है और वो आर्या को खत्म करना चाहता है, लेकिन आर्या इस बात से बेखबर है। कहानी का ये ट्विस्ट मात्र 20 मिनट में ही खत्म हो गया। क्लाइमैक्स की अगर बात करें तो एक बेहद कमजोर क्लाइमैक्स के साथ कहानी का दी एंड हो जाता है। 90 की फिल्मों की तरह यहाँ भी संजू का किरदार बाबा की आर्मी से अकेले भिड़कर सभी को उनके अंजाम तक पहुंचा देता है, जिसे देखकर इस बात की खुशी होती है कि फिल्म आखिरकार खत्म तो हुई। फिल्म ढोंगी बाबाओं की दुनिया कम, घरेलू कलह की कहानी ज्यादा लगती है। कुल मिलाकर इस सड़क दो में बहुत गड्ढे हैं, इससे दूर रहने में ही भलाई है। सड़क दो को फिल्म जानकारों ने अपनी रेटिंग में 1 स्टार के आसपास ही समेट दिया है। फिल्म जानकारों के मुताबिक स्क्रीन राइटिंग से लेकर म्यूजिक तक काफी खराब है। वहीं फिल्म को देखकर यूजर्स सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों ने फिल्म को नेगेटिव कमेंट्स दिए हैं।